डियर स्टूडेंट्स, आज अपने नए टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज के अपने क्रॉप जो है वो है चिल्ली। चिल्ली के अंदर अपने दो डिजीज है सिलेबस के अंदर, डाईबैक और लीफ कर्ल। इसके अंदर जो डिजीज लगती है जिसको बोलते हैं एंथ्राक्नोज, डाईबैक को जिसको बोलते हैं, डाईबैक का दूसरा नाम होता है एंथ्राक्नोज, ठीक है। और इसको बोलते हैं फ्रूट रोट, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है वो आता है सिम्टम, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला जो पार्ट होता है पौधे का, वो प्रभावित करने वाला भाग होता है फ्रूट, क्योंकि फ्रूट के अंदर उसमें क्या हो जाती है रोटिंग। और डाईबैक मतलब प्लांट के अंदर ऐसा इन्फेक्शन होने की वजह से क्या होगा, डाईबैक जैसे अपने सिट्रस के अंदर पड़ा था वैसे ही होगा कि डाईबैक पौधे का टॉप भाग से यानी कि टॉप सिरे से नीचे की ओर सूखते हुए चले जाना, तो उसको बोलते हैं डाईबैक। एंथ्राक्नोज का मतलब होता है नेक्रोसिस, एंथ्राक्नोज का मतलब होता है नेक्रोसिस, नेक्रोसिस यानी कि डेथ ऑफ टिश्यू, मतलब जिस भाग में इन्फेक्शन हो गया वो भाग मृत हो जाएगा। मृत हो जाना मतलब उसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्राउन टू ब्लैक कलर में बदल जाएगा, क्योंकि वो जैसे जैसे खत्म होगा वैसे वैसे उसका कलर चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो एंथ्राक्नोज और फ्रूट रोट, अब फ्रूट के अंदर भी क्या, फ्रूट की रोटिंग हो रही है, रोटिंग का मेन कारण क्या होता है उसके अंदर, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का रिजल्ट क्या होता है, उसकी रोटिंग हो जाना यानी कि उसकी सड़न हो जाना, ठीक है। और डाईबैक पौधे के अंदर उसमें भी नेक्रोसिस ही होता है, उसके टिश्यू जैसे जैसे मरते जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ऊपरी हिस्से से नीचे की ओर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, डाईबैक। जैसे सिट्रस डिक्लाइन में पड़ा था कि जैसे टॉप भाग से कोई भी जब ग्राफ नीचे की ओर आता है तो उसको डिक्लाइन बोलते हैं, तो वैसे ही पौधे का टॉपवर्ड टू डाउनवर्ड जो डेथ होती है उसको बोल देते हैं डाईबैक। कोजल ऑर्गेनिज्म होता है एंथ्राक्नोज का कोलेटोट्राइकम। कौन से भी क्रॉप की अपने बात करें उसमें कहीं भी अगर एंथ्राक्नोज का नाम आता है, तो मैंने ट्रिक भी बताई थी कि उसके लिए एक चीज़ का सीधा रिलेशन जोड़ दो कि एंथ्राक्नोज का कहीं भी नाम आ जाए तो उसका कोजल ऑर्गेनिज्म एक रट लो, बस उसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होगा, मोस्टली यानी कि मैक्सिमम होगा वो कोलेटोट्राइकम होगा, ठीक है। तो कैप्सिकम इसका जैसे जीनस होता है तो उसके हिसाब से इसका इसकी स्पीसीज हो गई, ठीक है, कैप्सिसाई। तो ये कोलेटोट्राइकम फंगस, इसकी परफेक्ट स्टेज होती है वो होती है ग्लोमेरेला, इसकी परफेक्ट स्टेज होती है वो होती है ग्लोमेरेला फंगस, ठीक है। तो वो क्या है कि इसके अंदर कोलेटोट्राइकम के अंदर क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, इसमें कोनिडिया बनते हैं और दूसरा इसके अंदर एक फ्रूटिंग बॉडी बनती है एसरुलाई, ठीक है। लेकिन ग्लोमेरेला जो होता है इसके अंदर क्या बनता है, एस्कोमाइसीट्स फंगस है, तो इसके अंदर एस्कोस्पोर बनेंगे, तो इसके अंदर सेक्सुअल स्पोर बनते हैं तो वो एस्कोस्पोर बनाता है, तो ठीक है। तो जो काम कोलेटोट्राइकम करती है तो वहाँ पे ग्लोमेरेला भी होगा, कि जो काम कोलेटोट्राइकम करती है वही काम ग्लोमेरेला फंगस भी करेगी, क्योंकि एंथ्राक्नोज में ग्लोमेरेला भी होगी, क्योंकि ग्लोमेरेला का ही एसेक्सुअल जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, कोलेटोट्राइकम कहलाता है, ठीक है। तो इसके सिम्टम्स देखें क्या है, सिम्टम्स में मेन चीज़ डाईबैक और फ्रूट रोट, फ्रूट की रोटिंग होगी यानी कि फ्रूट के ऊपर क्या बनेंगे, लीजन्स बनेंगे, लीजन्स बनते बनते वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, काले रंग में बदल जाएंगे और पूरा फ्रूट जो होगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। मोस्टली देखा भी है तुम लोगों ने सिम्टम चिल्ली पे तो मिल ही जाता है डाईबैक और ये फ्रूट रोट वाला सिम्टम। अब इसके अंदर देखो क्या है कि राइप फ्रूट जो होता है ना, राइपनिंग के टाइम में इसमें इन्फेक्शन दिखेगा, राइपनिंग के टाइम में इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखेगा। और किस में क्या होगा कि स्मॉल ब्लैक सर्कुलर स्पॉट, छोटे रंग के दब्बे से स्टार्ट होगा, फ्रूट के ऊपर क्या बनेगा, सर्कुलर स्पॉट बनेगा गोलाकार। और पहला जो सिम्टम होगा वो होगा इसका कि गोलाकार एक छोटा धब्बा बनना काले रंग का, ठीक है। उसके बाद में क्या है, बैडली डिजीज फ्रूट जो होता है लूज देयर नॉर्मल कलर एंड टर्न स्ट्रा कलर टू पेल वाइट, पेल वाइट यानी कि पीले सफेद रंग में और स्ट्रा कलर में बदल जाता है। इसका सीधा सीधा है देखो, सबसे पहले क्या होगा इसके ऊपर, पहला जो सिम्टम आएगा सबसे पहले आएगा ब्लैक जो स्पॉट बनेगा, ठीक है। और ब्लैक स्पॉट बाद में कैसे क्या होगा, टर्न इनटू स्ट्रा कलर, स्ट्रा कलर का मतलब होता है ब्राउन कलर में परिवर्तित हो जाता है, उसका कारण होता है नेक्रोसिस। जैसे जैसे टिश्यू मरते जाते हैं उसका कलर क्या होगा, भूरे रंग में बदलता जाएगा। और जैसे फंगस की ग्रोथ ज़्यादा बढ़ती जाती है तो वो किस में बदल जाता है, फिर ब्लैक कलर में। और कोई भी चीज़ काली पड़ जाती है तो उसका मतलब वही होता है कि उसमें क्या हो गई, सड़न हो गई, ठीक है। तो ऑन फ्रूट ब्लैक डॉट लाइक फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूट के ऊपर एक चीज़ और बनती है देखो, ये फ्रूटिंग बॉडी जो होती है इसको पहले भी मैंने पढ़ा दिया दो तीन बार, एसरबुलाई, इसकी डेफिनेशन याद करनी है तुम लोगों को, इंपॉर्टेंट है ये एसरबुलाई। और इसका एक याद रखना है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी फंगस के अंदर बनती है, तो वो कोलेटोट्राइकम के अंदर बनती है। ब्लैंक्स में पूछ सकता है कि कोलेटोट्राइकम या फिर एसरबुलाई जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो कोलेटोट्राइकम में बनती है, या फिर कोलेटोट्राइकम फंगस जो होती है उसके अंदर डैश डैश फ्रूटिंग बॉडी बनती है, तो वो क्या होती है, एसरबुलस। डेफिनेशन पूछेगा एक नंबर की, तो उसमें भी पूछ सकता है कि एसरबुलाई क्या होता है, एसरबुलस आ जाए तो उसमें क्या लिखे गए, एक तस्त्रीनुमा संरचना होती है, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है,
कोलेटोट्राइकम फंगस के अंदर बनती है और जिसके अंदर कोनिडियोफोर्स और कोनिडिया होते हैं और उसके अंदर एक स्टेराइल स्ट्रक्चर होती है जिसको सीटी बोलते हैं जो कि कोनिडिया लिबरेशन में हेल्प करती है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर पहले भी पढ़ चुके हैं अपने, तो इसको याद करना है, ठीक है। तो एसरबुलस जो होती है उसका मतलब क्या होगा, नेक डाई से जब देखते हैं पौधे के भाग पे, तो जैसे उसके जो फ्रूट होता है, तो चिल्ली के जैसे फ्रूट के ऊपर अगर इसका सिम्टम दिखाई देगा तो उसमें क्या होगा कि ब्लैक डॉट 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 जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, तो वो क्या होती है, फंगस की ग्रोथ होती है। उसमें क्या होता है, एसरबुलस होता है, वो क्या होता है, उसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है, उसकी एसरबुलाई कहलाती है, ठीक है। तो वो क्या होती है, कंसेंट्रिक जोन का मतलब ऐसे एक दूसरे के साथ में ऐसे जुड़ी जुड़ी घेरा बनाकर जुड़ी रहती है एक दूसरे में, ठीक है। तो वो आपस में ऐसे जुड़ के ब्लैक डॉट जैसी स्ट्रक्चर या फ्रूटिंग बॉडी दिखाई देती है, किस पे, फ्रूट पे, जिसको बोलते हैं एसरबुलाई। अब इसके बाद में क्या होगा, एडवांस केस में क्या होता है, इन्फेक्शन कहाँ पहुँच जाता है, सीड के अंदर। तो सीड के अंदर इन्फेक्शन हो गया तो ये डिजीज़ क्या हो गई, सीड बोन, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, सीड बोन डिजीज है। ब्लैंक्स और ऑब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन आएंगे कि ये कोलेटोट्राइकम या फिर चिल्ली की जो फ्रूट रोट या एंथ्राक्नोज डिजीज है वो क्या होती है, एक सीड बोन डिजीज होती है, ठीक है। वैसे सोइल के अंदर इन्फेक्शन रहता है तो सोइल बोन भी होती है, ये सोइल और सीड दोनों होती है, ठीक है। सोइल में प्लांट डेब्रीज की वजह से भी इन्फेक्शन होता है, तो सीड बोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सीड बोन होती है या नहीं होती। ऑप्शन में ट्रू फॉल्स में भी पूछेगा तो सीड और सोइल दोनों प्रकार की होती है, तो ये चीज़ भी इसमें पूछ सकता है, ठीक है। तो इन्फेक्टेड जो सीड जो होता है वो क्या होगा, रस्टी कलर में हो जाएगा। रस्टी कलर मतलब, रस्ट मतलब ऐसे जंग लगा हुआ जैसा दिखता है, तो वो क्या होता है, उसका मतलब यही है कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे ग्रोथ दिखाई देती है। तो रस्टी कलर किस वजह से आ गया, फंगस की ग्रोथ की वजह से, यानी कि उसका माइसीलियम जो होता है वो सीड पे चला जाता है, तो उसका इन्फेक्शन का कारण की वजह से क्या होगा, उसका कलर चेंज हो जाता है। उसके बाद आती है डाईबैक स्टेज। डाईबैक का मतलब ऊपर से नीचे की ओर पौधे का सूखना, तो नेक्रोसिस होगी। अटैक स्टार्ट फ्रॉम द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ फ्लावरिंग बड। फ्लावरिंग बड जो होती है, पुष्पीय जो पर्रो जो होता है उसके ऊपर क्या होगा, सबसे पहले अटैक होगा। अब देखो जो पुष्प बनने वाले पार्ट होंगे, जहाँ से पुष्प डेवलप होगा, तो उस भागों पे अगर इस प्रकार का सिम्टम आ जाएगा तो वहाँ पे मतलब फ्लावरिंग के चांसेस तो बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ब्रांच जो होगी, ट्विग और ब्रांचेज होती है, उस पर क्या होगा, टॉप पार्ट से नेक्रोसिस होगी, ऊपरी भाग से, जैसे ब्रांच के ऊपरी भाग से नेक्रोसिस मतलब डेथ ऑफ टिश्यू। नेक्रोसिस का मतलब डेथ ऑफ टिश्यू, टिश्यू का जो क्या होगा, उसकी ब्रांचेज जो होगी उसकी मृत्यु होना स्टार्ट होगी, टॉप से और नीचे की ओर बढ़ेगी, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेगी और पूरा पौधा सूख जाता है, ठीक है। तो वो क्या होगा, फ्रॉम टॉप सो नेक्रोसिस एंड प्रोग्रेसिंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड नीचे की ओर बढ़ती है, जो नेक्रोसिस होती है वो ऊपर से नीचे की ओर आएगी, ठीक है। द डाईबैक ट्विग और ब्रांचेज बिकम ए वाटर सोक्ड। वाटर सोक्ड का मतलब जब नेक्रोसिस का सिम्टम डेवलप होता है तो उसके ऊपर ऐसे लगेगा जैसे वो जो ब्रांचेज होती है उसके अंदर, वाटर सोक्ड का मतलब होता है जल आसिक्त, मतलब जैसे पानी का धब्बा जो बनता है उस प्रकार की उसके ऊपर स्ट्रक्चर बन जाती है, तो उस वजह से वो वाटर सोक्ड दिखेगी और ब्राउन, और उसके बाद में देन टर्न ग्रेइश वाइट, बाद में कैसे बदल जाएगी, ग्रेइश यानी कि धूसर रंग की या सफेद रंग की ऐसे परिवर्तित हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। स्ट्रा कलर में लेटर स्टेज में वो क्या हो जाएगा, स्ट्रा कलर का मतलब लगभग मोस्टली वो डेड हो गया, उसके अंदर वो पूरा टिश्यू था वो डेड हो गया, तो स्ट्रा कलर का मतलब वो भूरी हो जाएगी, ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगी, ब्राउन कलर मतलब वो सूख गई, ड्राई हो जाती है उस टाइम। द लार्ज नंबर ऑफ पिन साइड ब्लैक कलर्ड एसरबुलस, अब इस पे क्या है, डाईबैक के अंदर जो जो भाग इसका अफेक्टेड रहता है उस भाग पे काले रंग की छोटी छोटी डॉट जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, उनको एसरबुलस बोलते हैं, तो वो भी क्या हो जाता है, पौधे के डाईबैक वाले भागों पे आ जाती है, डेड पार्ट पे। तो दोनों में सीधा सा है, फ्रूट पे क्या बनेगा, उसमें ब्लैक डॉट बनेगी जो बाद में क्या होगी, स्ट्रा कलर में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे ये जो सिम्टम है, ठीक है। तो ये फ्रूट का है, इसके ऊपर ये क्या है, काले रंग के लीजन्स बन गए, इस पर क्या बन गए, लीजन्स बन गए, और धीरे धीरे ये फैलते जाते हैं, तो पूरा जो ये जो फ्रूट होता है इसको पूरे को सड़ा देती है, ठीक है। तो ये डाईबैक सिम्टम है, ऊपर से नीचे की ओर ये जो भाग है यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर ये क्या है, पौधे में सूखना स्टार्ट हो जाएगा और पूरा का पूरा पौधा सूख जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप की जो इसमें जो सभी लगभग वेराइटियाँ जो होती है उनमें अलग अलग हिसाब से दिखा रखा है कि किस में कितना इन्फेक्शन है, तो उस हिसाब से इसमें कैसे लीजन बना। फ्रूट जो राइप जो होते हैं, देखो जो लाल रंग के उनमें जब से ज़्यादा दिखता है, और राइपनिंग मतलब जब वो पूरी मैच्योर हो जाती है चिल्ली का जो फ्रूट होता है, तो उसके ऊपर ये सिम्टम आ जाते हैं। तो कुछ में तो देखो इतना इन्फेक्शन हो जाता है कि पूरा फ्रूट की रोटिंग, कुछ में कम दिखता है लेकिन रोटिंग तो हो रही है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा कम दिख रहा है और इसमें ज़्यादा दिख रहा है, तो ये इस प्रकार के इसमें सिम्टम डेवलप होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये होती है एसरबुलाई।
ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं एसरबुलस। एसरबुलस अगर सीधा देखते हैं अपने, अगर स्ट्रक्चर इसकी देखेंगे इसके अंदर माइक्रोस्कोप में, तो उसमें कैसे दिखेगा, ऐसे कंटेनुमा एक स्ट्रक्चर दिखाई देगी, इस प्रकार की ब्राउन कलर की ऐसे स्ट्रक्चर दिखती है, जिसमें ऐसे सीटी, ये जो पार्ट होते हैं ना इनको सीटी बोलते हैं, तो ये निकली रहती है बाहर, और ये जो बीच का पार्ट होता है, ये जो पूरा होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, ये जो बीच का पार्ट होता है वो इस प्रकार की तस्त्रीनुमा संरचना होती है, जिसमें कोनिडिया बने रहते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो इसके कोनिडिया तो सिंगल सेल होते हैं और सिकल शेप के होते हैं, और बीच में एक ऑयल ड्रॉप जैसी स्ट्रक्चर दिखती है, लिक्विड भरा रहता है कोनिडिया के अंदर, तो ये इसका मेन करेक्टर होता है कोलेटोट्राइकम का। तो ये इसके सारे सिम्टम हो गए, ठीक है। तो ये एसरबुला है, इसको पूरा खोल के देखोगे तो गूगल पे भी मिल जाएगी इसकी खूब स्ट्रक्चर, पर ये सीधा साधारण तौर पे माइक्रोस्कोप में देखने पे ऐसी दिखती है इसकी स्ट्रक्चर। अब इसके बाद में इसका प्रीडिस्पोजिशन फैक्टर, प्रीडिस्पोजिशन सीधा सा है इसके अंदर, प्रीडिस्पोजिशन में रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, टेम्परेचर इसका एवरेज रहता है 30 डिग्री के आसपास, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहती है इसको 90% से ज़्यादा तो चाहिए चाहिए, तो 95% से अबोव इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए, ठीक है, 95% से ज़्यादा। 95% मतलब जब बारिश होगी तो ये जो डिजीज़ होती है एंथ्राक्नोज, इसका फेवरेबल कंडीशन होती है कि जब बारिश ज़्यादा होती है तो उस टाइम में इस प्रकार की डिजीज़ बढ़ती है, ठीक है। तो इसमें सर्वाइवल जो रहता है, पैथोजन सर्वाइव करेगा सोइल में और सीड में एज ए माइसीलिया। तो ये क्या होगा, एक्सटर्नली सीड बोन इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ठीक है, छोटे क्वेश्चन में। एक्सटर्नली सीड बोन एंड सोइल बोन होता है, ठीक है। तो सोइल बोन नेचर का हो गया, तो मतलब प्लांट डेब्रिज जो होगा वो सोइल में जैसे ही चला जाएगा तो वो सोइल बोन नेचर का हो गया, ठीक है। फंगस सर्वाइव थ्रू माइसीलियम, देखो माइसीलियम के थ्रू सर्वाइव करेगा क्योंकि इसके अंदर कोई सेक्सुअल स्ट्रक्चर नहीं बनता, इसके अंदर कोई सेक्सुअल स्ट्रक्चर नहीं बनता। सेक्सुअल स्ट्रक्चर का मतलब समझते हो, जैसे कोई स्पोर, जैसे ओमाइसीट्स के अंदर ओस्पोर बनता है, एस्कोमाइसीट्स के अंदर एस्कोस्पोर बनता है, और ये जो स्पोर होते हैं ना ये परफेक्ट होते हैं, परफेक्ट होने का मतलब लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करने में सक्षम होते हैं, सोइल के अंदर लंबे टाइम तक बने रहते हैं। लेकिन इस फंगस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, तो इस वजह से इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर जो स्ट्रक्चर कुछ बनती नहीं है, तो इसके अंदर स्ट्रक्चर जो बनती है वो होता है कोनिडिया, कोनिडिया के अलावा ये फंगस सर्वाइव करती है, तो वो सोर्स होता है इसका माइसीलिया, वो माइसीलिया चाहे तो सीड पे होगा या फिर वो सोइल के अंदर होगा, ठीक है। तो ये दोनों इसके माइसीलिया और जो कोनिडिया, तो बाद की स्ट्रक्चर होती है, पहले जो होता ही है माइसीलियम जो इसका रहता है सोइल के अंदर या फिर सीड के अंदर, तो वो सर्वाइव करती रहती है फंगस। जैसे इसको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मिलेगी तो ये जर्मिनेट हो जाएगा, जर्मिनेट होके ये क्या बना देगा, एसरबुलस बनाएगा, एसरबुलस बना के उसके अंदर क्या बना देगा, कोनिडिया, और कोनिडिया क्या कर देगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन जो हवा और पानी के साथ में उड़ के दूसरे पौधों पे चला जाएगा, ठीक है। प्लांट डेब्रीज और सोइल सीड जो इसके अंदर जो होता है, प्लांट डेब्रीज जो सोइल के अंदर होता है, और दूसरा इसके अंदर सीड जो होता है इसका सर्वाइवल का मेन सोर्स हो गया। माइसीलिया क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा सोइल के अंदर प्रोड्यूस कोनिडिया, सो जो माइसीलिया जो होगा सोइल में जर्मिनेट होगा और कोनिडिया को डेवलप करेगा। कोनिडिया क्या करेगा, कोनिडिया इसके जैसे ये प्लांट जो जर्मिनेटिंग जो प्लांट होता है, तो जैसे ही फंगस का जो माइसीलियम होता है, ठीक है, जब फंगस का माइसीलियम सोइल के अंदर ग्रो करता रहता है और वो क्या करेगा, कोनिडिया का जर्मिनेशन, सॉरी कोनिडिया को डेवलप करेगा, और कोनिडिया क्या करेगा, हवा से उड़ के जैसे पौधे की पत्ती पे चला गया, तो ये पत्ती के इन्फेक्शन करेगा, लीफ से इन्फेक्शन कहाँ आ जाएगा, ब्रांच में आएगा, ब्रांच से इन्फेक्शन कहाँ चला जाएगा, फ्रूट पे और फ्लोर पे। तो ये क्या हो गया, एक तो नॉन सिस्टेमिक इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। तो नॉन सिस्टेमिक टाइप की डिजीज है, सिस्टेमिक इन्फेक्शन नहीं होता इसमें, सर्वांगी डिजीज जिसको बोलते हैं, सिस्टेमिक का मतलब पौधे के आंतरिक भागों में फैलना, तो ये नॉन सिस्टेमिक है। एग्जाम में पूछ ले इसके बारे में कि ये सिस्टेमिक है या नहीं है, तो ये नहीं होती सिस्टेमिक, ठीक है, तो नॉन सिस्टेमिक टाइप की होती है। तो इसमें फंजीसाइड भी अपने कौन से यूज करते हैं, लगभग नॉन सिस्टेमिक, जो सीधा प्रोटेक्टेंट का काम करते हैं, सीधा इस पर अटैकर, इस पर कंट्रोल करने का काम करता है उसको, ठीक है। थेरेप्यूटेंट इसमें नहीं लेते, थेरेप्यूटेंट मतलब जो सिस्टेमिक फंजीसाइड होते हैं जो लंबे टाइम तक पौधे में बने रहते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होता है वो
कोनिडिया से हो जाता है माइसीलिया जर्मिनेटर को कोनिडिया बनाएगा और कोनिडिया पत्ती पे पहुंच के इसमें इन्फेक्शन कर देगा। सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा कोनिडिया के थ्रू हो जाएगा। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर इंपॉर्टेंट है, 95% से ज़्यादा इसको चाहिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी और 28 से 30 डिग्री इसको चाहिए टेम्परेचर। ठीक है, डाईबैक ज़्यादा कब होती है? जब बारिश होती है। डाईबैक ज़्यादा कब होती है? जब बारिश होती है और उसके बाद में क्या होगा, डिपोजिशन ऑफ ड्यू ऑन द प्लांट। बारिश के बाद में जब थोड़ी नमी रहती है हवा के अंदर, ज़्यादा नमी रहने की वजह से क्या होती है, ओस जो होती है पत्ती पे जमती रहती है, तो उस टाइम में क्या होगा, इसमें ज़्यादा इन्फेक्शन होगा डाईबैक का। मतलब पौधे में डाईबैक वाले जो सिम्टम होते हैं वो कब डेवलप होंगे, जब बारिश होती है उस टाइम में। मैनेजमेंट देखते हैं इसमें, डिजी साइकिल बनाएंगे तो इसका देखो डिजी साइकिल बनाने में क्या है, इसमें लिख लेना सीधा सा माइसीलिया इन सोइल और सीड। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, माइसीलियल जर्मिनेशन। ठीक है, इसमें क्या बनेगा, माइसीलियल जर्मिनेशन, फिर इसमें बनेगा कोनिडिया, कोनिडिया रिच ऑन, कोनिडिया रिच ऑन लीफ सरफेस, लीफ सरफेस जर्मिनेट एंड कोज इन्फेक्शन, इन्फेक्शन कर देगा। उसके बाद में क्या होगा, एसरबुलाई, उसमें क्या बनेगा, एसरबुलस डेवलपमेंट ऑन, या फिर सिम्टम डेवलपमेंट होता है, सिम्टम डेवलपमेंट के साथ में क्या आ जाएगा, मेंट ऑफ ऑन अफेक्टेड पार्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कोनिडिया होता है। ठीक है, कोनिडिया बनता है इसके अंदर, और कोनिडिया जो होता है वो किसके साथ में, हवा के साथ में और बारिश की वजह से क्या करेगा, न्यू प्लांट पे आएगा। ठीक है, न्यू प्लांट की जो लीफ होती है उस पर इन्फेक्शन करेगा, और नए प्लांट की लीफ पे इन्फेक्शन होने के बाद में वो क्या बनाएगा, एसरुलाई बनाएगा वापस, और ये पूरा साइकिल चलता रहता है। तो ये क्या हो जाता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन या फिर सेकेंडरी साइकिल, और उसके बाद में फंगस कहाँ चली जाती है, सीड और सोइल के अंदर। तो ये इसका डिजीज साइकिल हो जाएगा। अब इसमें मैनेजमेंट होगा, क्रॉप रोटेशन विद नॉन होस्ट क्रॉप, नॉन होस्ट क्रॉप के साथ में क्रॉप रोटेशन, और दूसरा मोनोकल्चरिंग जो होती है उसको अवॉइड करना चाहिए, चिल्ली की क्रॉप को एक एक जगह पे नहीं लेना चाहिए। ठीक है, फील्ड सैनिटेशन कर देते हैं, रिमूवल एंड बर्निंग ऑफ वीड और जितने भी फील्ड के अंदर अफेक्टेड पार्ट होते हैं उनको हटा देने चाहिए। ठीक है, ये तो सिंपल सिंपल है, ये तो सब में पड़ते ही है अपने। ठीक है, डीप समर प्लोविंग कॉमन सी बात है, यूज ऑफ हेल्दी सीड ये भी लिखना ही है, एडोप्ट सोइल सोलराइजेशन, सोइल सोलराइजेशन जब इनकी नर्सरी लगाते हैं तो उसकी क्या करते हैं, अगर इन्फेक्शन वहाँ पर ज़्यादा होता है तो उसको पॉलीथीन की सीड से कवर करके ये टेक्निक अपना सकते हैं अपने। ठीक है, ट्रीट द सीड विद थायरम, थायरम जो होता है नॉन सिस्टेमिक फंजीसाइड है, प्रोटेक्टेंट का काम करता है, तो बेस्ट होता है सीड ट्रीटमेंट में, सबसे बेस्ट मानते हैं इसको। ठीक है, सीड ट्रीटमेंट में सबसे अच्छा फंजीसाइड होता है थायरम, 0.25% इसका घोल बना के, या फिर और कार्बेंडाजिम, कार्बेंडाजिम होता है वो सिस्टेमिक टाइप का होता है। तो कई बार क्या होता है, सीड में इन्फेक्शन होने की वजह से क्या होता है, उस प्रकार के इन्फेक्शन को मारने के लिए, कम करने के लिए क्या करते हैं अपने, कार्बेंडाजिम, कार्बेंडाजिम फंजीसाइड को अपने काम में लेते हैं। ठीक है, सीडलिंग शुड बी डिप्ड इन कार्बेंडाजिम, कार्बेंडाजिम मतलब सोइंग से पहले कार्बेंडाजिम के अंदर सीडलिंग को डुबो के रखते हैं 10 मिनट के लिए और ट्रांसप्लांटिंग से पहले। ठीक है, 3-4 स्प्रे कर देते हैं अपने, जिनेब और मैंकोजेब, जिनेब और मैंकोजेब, जिनेब और मेनेब दो नाम होते हैं ये, मैग्नीज होता है इसके अंदर, इसके अंदर जिंक होता है फंजीसाइड, जो सल्फर के फंजीसाइड होते हैं उसमें जिंक ऐड किया जाता है, इसमें मैग्नीज ऐड किया जाता है। तो जिनेब और मेनेब का स्प्रे करते हैं, और सबसे ज़्यादा यही काम की रहती है कि मैंकोजेब जो होती है कोलेटोट्राइकम के अगेंस्ट में सुपीरियर होती है। ठीक है, और COC का अपने छिड़काव कर सकते हैं 0.25% का। ठीक है, 15 दिन के इंटरवल से 3 से 4 स्प्रे। ठीक है, रेजिस्टेंट कल्टीवार जो होती है वो है इसकी बंगाल ग्रीन, लोराई H1H4 इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ये रेजिस्टेंट वेराइटी के बारे में पूछ सकता है इसके बारे में, तो ये अपने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें एक ही एक फंजीसाइड इंपॉर्टेंट है मैंकोजेब, बाकी तो कॉमन सी चीज़ें हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है अपने लीफ कर्ल, वायरल डिजीज है। ठीक है, वायरस के कारण होता है ये, तो वायरस है तो देखा भी है सबने लीफ कर्ल डिजीज को, तो कैसी होती है लीफ कर्ल, ये जो कर्लिंग ऑफ लीव्स, कर्लिंग ऑफ लीव्स अपवर्ड कर्लिंग, मिड रिब की तरफ पत्तियों को, पत्तियों का मुड़ जाना क्या कहलाता है, लीफ कर्ल। ऊपर से क्या होता है, पूरा का पूरा गुच्छा बन जाता है, तो इसलिए पूरा का पूरा प्लांट होता है वो रुक जाता है, हाइट छोटी रह जाती है, बोना रह जाता है, उस पर फ्रूट नहीं बनते,
और पूरा का पूरा गुच्छा बन के पूरा का पूरा सूख जाता है, तो इसको बोलते हैं लीफ कर्ल। तो ये तो होता है लीफ पे सिम्टम। और जो फ्रूट होते हैं वो फ्रूट भी क्या होते हैं, विकृत हो जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं, उनकी कोई शेप साइज नहीं रहता, साइज भी छोटा रह जाता है, और बनते हैं तो वो टेढ़े मेढ़े फ्रूट बनते हैं। तो इस प्रकार के दोनों में होते हैं, ये पेपर के अंदर भी होती है और चिल्ली के अंदर भी होती है, शिमला मिर्च और अपने जो साधारण जो मिर्च होती है इसमें, ठीक है। अब देखो इसमें सिम्टम, इसमें कॉमन सी चीज़ है लीफ कर्ल में, क्या याद रखना है, मैनेजमेंट और सिम्टम, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछता, डिजीज साइकिल के चक्कर में नहीं पड़ना इसका। एक और इसमें एग्जांपल, इसमें एक छोटा क्वेश्चन पूछ लेता है, वेक्टर इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना उसको, ठीक है। बेमेसिया टेबेसाई जो वाइट फ्लाई जो होती है वो लीफ कर्ल डिजीज का वेक्टर होता है, इंसेक्ट वेक्टर, ठीक है। सिम्टम है इसको, इंपॉर्टेंट है, याद करना। एक मैनेजमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा चार नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, लीव्स कर्ल टूवर्ड मिड रिब एंड बिकम डीफॉर्म, जो पत्ती होती है वो क्या होगी, मिड रिब की तरफ घूम जाएगी और डीफॉर्म हो जाएगी, मतलब आकृति विकृत हो जाएगी, ठीक है। इंटेंस रिडक्शन इन लीफ साइज, पत्तियों का जो साइज होगा वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा लगभग सभी पत्तियों में इन्फेक्शन होने हो जाता है उसके अंदर, क्योंकि सिस्टेमिक टाइप का है इन्फेक्शन भी, तो सारे पौधे के भागों में चला जाएगा। तो जितनी भी पत्तियाँ होंगी, इंटेंस मतलब बहुत ज़्यादा, इंटेंस मतलब क्या होगा, इंटेंस रिडक्शन ऑफ लीफ साइज, पत्तियों का जो साइज होगा वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट इंटरनोड, इंटरनोड शॉर्ट रह जाएगी, इंटरनोड शॉर्ट रहने की वजह से पौधा क्या रह जाएगा, बोना रह जाएगा, और उसके ब्रांचेज भी होगी वो भी बोनी हो जाएगी, छोटी रह जाएगी, तो उसकी वजह से ये क्या होगा, गुच्छा बनने लग जाएगा, इसके ऊपर गुच्छे बनने लग जाएंगे, ठीक है। एंड ड्वार्फिंग, तो बोना रह जाएगा। अब इसमें क्या होगा, स्टंटेड प्लांट ग्रोथ, क्योंकि इंटरनोड का साइज कम हो गया, स्टंटेड का मतलब बोना, स्टंटेड का मतलब क्या होता है, बोना, छोटा रह जाता है पौधा, ठीक है। स्टंटेड प्लांट ग्रोथ, ग्रोथ जो होती है वो कम होती है, तो पौधे में बोनापन आ जाता है। और फ्लोर बड जो होती है, साइज होती है बिफोर अटेंडिंग फुल साइज, फुल साइज बनने से पहले उसकी फ्लोर जो होते हैं वो झड़ जाते हैं, ठीक है। प्लांट फेल्स टू प्रोड्यूस फ्रूट, फ्रूट नहीं बनते इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर जब फ्लोर ही नहीं बनेंगे तो फ्रूट कहाँ से बनेंगे। इफ फ्रूट आर फॉर्म्ड, अगर बन भी जाते हैं तो वो क्या करेंगे, स्मॉल, जो स्मॉल साइज के बनेंगे, जो फ्रूट बनते हैं वो क्या होंगे, रिमेन स्मॉल साइज, डीफॉर्म्ड एंड पुअर इन क्वालिटी, क्वालिटी जो होगी उनकी बहुत बेकार होगी, वो खाने के लायक नहीं होते, टूटे फूटे फ्रूट बनेंगे इसके ऊपर। ये इसके सिम्टम हो गए। मैंने इसके अंदर प्री डिस्पोजिशन एंड डिजीज साइकिल, इंपॉर्टेंट बस ये एक ही है, ठीक है। तो वाइट फ्लाई को याद कर लेना, वेक्टर पूछेगा 100% इसका, कि लीफ कर्ल ऑफ चिल्ली डिजीज का वेक्टर जो होता है वो ब्लैंक्स में पूछेगा, या फिर तुम्हें उसमें पूछेगा ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस में। तो वाइट फ्लाई याद कर लेना इसको, ट्रांसमिटेड बाई वाइट फ्लाई, सीधा सा होता है इसका लाइफ साइकिल, इसमें कुछ नहीं है। जैसे कोलेट्रल होस्ट होते हैं, कोलेट्रल होस्ट का मतलब, कोलेट्रल होस्ट मतलब वहाँ पे क्या होंगे, वीड होंगे, या फिर सेम फैमिली के कोई दूसरे प्लांट होते हैं उसके ऊपर पैथोजन क्या करता है, लंबे टाइम तक सर्वाइव करता रहेगा, ठीक है। कोलेट्रल होस्ट होंगे, कोलेट्रल होस्ट पे क्या करेगा, इंसेक्ट जो होगा, देखो वाइट फ्लाई जो होती है वो लगभग पूरे सीजन रहती है, मच्छर इंसेक्ट तो रहेंगे फील्ड के अंदर, तो या फिर जब सीजन आएगा तो वो क्या करेगा, कोलेट्रल होस्ट पे फीडिंग करेगा, इंसेक्ट की जो फीडिंग होगी तो वो क्या करेगा, उसके बाद में वायरस से ग्रसित हो जाएगा, और वायरस जो होता है वो वाइट फ्लाई के अंदर गट पासिस करता रहता है, मतलब उसके पेट के अंदर बना रहता है, तो वो इंसेक्ट जो होगा वो क्या करेगा, जैसे चिल्ली प्लांट को अटैक करेगा, चिल्ली प्लांट में इन्फेक्शन करेगा, तो वो क्या करेगा, उस प्लांट में इन्फेक्शन फैला देगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, चिल्ली इन्फेक्टेड, चिल्ली प्लांट हो गया इन्फेक्टेड चिल्ली प्लांट, अब इसके ऊपर भी क्या करेगी, वाइट फ्लाई का दोबारा होगा इसके ऊपर, क्योंकि वाइट फ्लाई तो जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी उसमें इन्फेक्शन बढ़ेगा, ठीक है। तो जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा इन्फेक्शन होगा, तो चिल्ली पे इन्फेक्शन, इन्फेक्टेड जो चिल्ली होगी इस पे जो वाइट फ्लाई होगी फिर फीडिंग करेगी, तो वो क्या करेगी, नए प्लांट को इन्फेक्ट करती जाएगी, ठीक है। तो वायरली फेरस वाइट फ्लाई, ठीक है, वायरली फेरस वाइट फ्लाई या फिर इंसेक्ट, ठीक है। तो वो क्या करेगा, फिर से चिल्ली प्लांट पे इन्फेक्ट, इसमें इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की वजह से क्या करेगा, इस पर फीडिंग करेगा, तो वो वायरली फेरस हो जाएगा, ठीक है। तो वाइट फ्लाई फीड ऑन चिल्ली प्लांट, ठीक है। तो चिल्ली प्लांट पे फीडिंग करेगा तो वो क्या करेगा, वायरली फेरस हो गया, फिर वो नए प्लांट को इन्फेक्शन करेगा, ठीक है, न्यू प्लांट को इन्फेक्शन करेगा, तो वो नए प्लांट में डिजीज फैलती रहेगी, ठीक है। और फिर वापस से कोलेट्रल होस्ट पे और वीड होस्ट पे जब वायर इंसेक्ट चला जाता है तो वो वहाँ पे लंबे टाइम तक सर्वाइव, इसके अंदर सर्वाइव करता रहता है वाइट फ्लाई के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार का सिंपल सा लाइफ साइकिल होता है वायरस की डिजीज में, इतना नहीं पूछेगा, इसमें सिम्टम और मैनेजमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइट फ्लाई से होगा इंसेक्ट सर्वाइव, कोलेट्रल होस्ट
या फिर वीड होस्ट होता है उसके ऊपर सर्वाइव करेगा। वायरुलिफेरस इंसेक्ट जो इंसेक्ट जो होता है वो फीड ऑन चिल्ली प्लांट, जो वायरुलिफेरस का मतलब जिसके अंदर इन्फेक्शन चला गया यानी कि वायरस चला गया। जैसे वाइट फ्लाई जो होती है सफेद मक्खी, वाइट फ्लाई जब इन्फेक्टेड प्लांट पे फीडिंग करेगी, इन्फेक्टेड प्लांट पे फीडिंग करेगी तो वो वायरस किस में चला गया, वाइट फ्लाई के अंदर। तो उस वाइट फ्लाई को उसको क्या बोलते हैं, वायरुलिफेरस। वायरुलिफेरस मतलब उसके अंदर क्या है, वायरस है। तो अब वो जिसको भी अटैक करेगी, जिस पे भी फीडिंग करेगी उसके अंदर वायरस छोड़ देगी, क्योंकि वो क्या करते हैं उसके अंदर पेनेट्रेटिंग जो उसके पार्ट जो होते हैं वो पेनेट्रेटिंग वाले होते हैं। तो वो जैसे पेनेट्रेट करती है तो उसके जाइलम फ्लोएम वाले भाग में वायरस चला जाता है, तो वो पूरे प्लांट में फैल जाएगा फिर, ठीक है। प्रीडिस्पोजिशन क्या होगा, हाई डोज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हाई डोज का मतलब उसमें एक्सेस जो दो प्लांट जो होगा उसमें क्या होगा, वो लंबे टाइम तक वेजिटेटिव स्टेज में रहता है, यानी कि मुलायम जितना ज़्यादा होगा सॉफ्ट रहेगा उतना उस पर अटैक करना आसान रहता है वाइट फ्लाई का, ठीक है। मोनोकल्चर और ससेप्टिबल वेराइटी, मोनोकल्चर करना बार बार एक ही चिल्ली प्लांट को लेंगे तो उसको क्या होगा, वाइट फ्लाई को वहाँ पर एक होस्ट मिलता रहेगा लंबे टाइम तक, तो उसकी पॉपुलेशन बनी रहेगी। तो इसमें मेन चीज़ तो रहता है इंसेक्ट को कंट्रोल करना, इंसेक्ट को जितना ज़्यादा कंट्रोल करोगे तो उतना ही डिजीज़ को मैनेज कर पाओगे, क्योंकि मैनेज करना मतलब उसको कम कर सकते हैं, अपने डिजीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि वायरस का कोई सीधा इलाज नहीं होता। हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड क्लाउडी डेज, क्लाउडी डेज ये किस चीज़ को बढ़ावा देती है, ये वाइट फ्लाई की पॉपुलेशन को बढ़ावा देगी, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी और दोनों, ठीक है। तो इसमें बारिश के बाद में अचानक जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उस टाइम में भी क्या होता है, वाइट फ्लाई जैसी शाम के टाइम में बहुत सारे इंसेक्ट की पॉपुलेशन बढ़ जाती है, ठीक है। अब इसमें मैनेजमेंट है इंपॉर्टेंट, अपरूट द इन्फेक्टेड प्लांट एंड बर्नड, इनको क्या करते हैं इन्फेक्टेड प्लांट को अपरूट करो और जला दो। एवॉइड मोनोकल्चर इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। यूज ऑफ हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री सीड, हेल्दी और डिजीज़ फ्री सीड मतलब इन्फेक्टेड इन्फेक्टेड प्लांट पे अगर कोई फ्रूट बना है और उसका सीड अपने काम में लेते हैं तो वो वायरस जो होता है वो सीड के अंदर भी जा सकता है, तो उस सीड से भी इन्फेक्शन अपने फील्ड में आ सकता है। तो इम्पोर्टेंट है ये भी याद रखना कि सीड बोन भी हो सकता है ये डिजीज़, ठीक है। रेज 2 to 3 रो ऑफ बॉर्डर क्रॉप, ये इंपॉर्टेंट है। मेज का और सोरगम की बॉर्डर क्रॉप लगाते हैं वेक्टर कंट्रोल के लिए, किसके अंदर, चिल्ली के अंदर। तो ये क्वेश्चन बनता है कि चिल्ली प्लांट के साथ में मेज और सोरगम की फसलों को एज ए बॉर्डर क्रॉप काम में लिया जाता है, तो ये कथन सत्य या असत्य ऐसे करके कुछ पूछ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है याद कर लेना, मेज और सोरगम। इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे करते हैं वाइट फ्लाई के लिए, ठीक है। एसीफेट और बहुत सारे होते हैं केमिकल अपने, एक याद कर लो बस, इमिडाक्लोप्रिड 2-3 से 4 ml प्रति लीटर से, इसकी 3 से 4 या 2 से 3 वो डिपेंड करती है कि नीड बेस स्प्रे होती है, जितनी ज़रूरत होती है उस हिसाब से 2 या 3 स्प्रे कर देते हैं 15 दिन के इंटरवल से, ताकि वाइट फ्लाई की पॉपुलेशन नहीं बढ़े। तो ये था आज का अपना चैप्टर, दोनों इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जिसका बताया वो याद कर लेना छोटे क्वेश्चन में, और ये चिल्ली आज की अपनी कंप्लीट। बाकी नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।